हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल कशिश एंड प्रथम व्लॉग्स। तो आज हम भाई ड्रैग रेस करने जा रहे हैं हुंडई अल्काज़ार 1.5 डीजल ऑटोमेटिक। और भाई ये 113 bhp इसका इंजन प्रोड्यूस करता है, और भाई टाटा सफारी 2.0 167 bhp इसका इंजन प्रोड्यूस करता है भाई 167 bhp। तो भाई देखते हैं, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि टाटा सफारी में पावर बेशक ज़्यादा है लेकिन वेट बहुत ज़्यादा है, और दोनों सेम सेगमेंट की गाड़ी है भाई, सेम आसपास के रेट की गाड़ी है, 24-25 लाख की आती है दोनों। तो भाई चेक करते हैं कौन सी क्या परफॉर्म करेगी। भाई ये मैनुअल है, इसमें टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, तो अब चेक करते हैं भाई। तो गाइस मैं सफारी में आ चुका हूँ और अल्काज़ार साइड में भाई अब रेस स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों स्पोर्ट्स मोड में है भाई, अपनी मैनुअल है ऑटोमेटिक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। 1 2 3 भाई अंधा पिकअप है भाई इसका, तो भाई दूसरे गियर में हरा दी इसने तो। एक दो तीन भाई सेकंड राउंड की विनर भी अपनी टाटा सफारी है, लेकिन इस बार गैप कम था, इस बार सही उठाई थी अल्काज़ार, सही थ्रोटल दिया था उसने सही टाइम पे, टाइमिंग की प्रॉब्लम हो गई होगी, पिछले ज़्यादा गैप बन गया होगा। अब थर्ड राउंड और चेक करते हैं भाई कितने गैप से कौन हारती कौन जीतती है। तो भाई लास्ट और फाइनल राउंड है, दोनों अपने क्या कहते हैं राउंड्स में अपनी टाटा सफारी जीत गई है, अल्काज़ार हार गई है। तो अब देखते हैं भाई कि कौन जीतता है इस राउंड में और कितने गैप से जीतता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 तो भाई इस बार इतना गैप नहीं बना है, लेकिन बराबर ही रही है शायद दोनों गाड़ी। भाई पूरी कैच थी इस बार तो अल्काज़ार, तो भाई गैप नहीं बना कुछ भी, इस बार दोनों सेम ही रही है, बाकी वीडियो में चेक करना पड़ेगा, ये वाला तो ड्रॉ ही हो गया। तो भाई यही फाइनल वर्डिक्ट था, टाटा सफारी ही दो राउंड जीती है, इसमें ये टाई हो गया इनका।